करके यहाँ से चल रहा है और यहाँ पहुंच रहा है। हर बात पिछली बात से थोड़ी आगे जाती है, पिछली बात से थोड़ी आगे जाती है, और ये कंसिस्टेंसी मेरा मानना रहा है तमाम एक्टर लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, ये उसी में हो सकती है जो एक ध्येय के साथ और पूरी ठोस सोच के साथ कुछ कर रहा हो। अन्यथा क्या होता है कि एक्टर एक फिल्म आई, उसके फिल्म के बारे में वैसी बातें की, फिर अगली बार जो बात की अपने ही को खुद को काट दिया, एक्टिंग पर कैसे क्या सोचते हैं, तो अगली बार कुछ और बोल गया। इरफान के यहाँ कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखेगा, लगातार एक प्रोग्रेशन दिखेगा उसमें, और वही वजह है कि इस किताब का महत्व बढ़ जाता है। हमने कभी इरादा नहीं किया था कि कोई किताब निकालूंगा मैं, ना मैंने कभी सोचा था। इरफान मेरे लिए बड़े अजीज थे, दोस्त थे, लेकिन घर की मुर्गी नहीं थे वो मेरे लिए, मेरे दाल बराबर नहीं थे वो, बहुत बड़े थे, मैं तब से जानता था उनको इस बात को, तो इस हिसाब से मैंने सब कुछ सहयोग के रखा था। आज भी उनकी आवाज़ मेरे पास है, जो ऑडियो कैसेट में है, जो मोबाइल पे है, तमाम चीज़ें हैं। तो जब किताब आई उस समय मैंने उन सारी चीज़ों को संजोया, और वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें जो पहला इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू अगर कोई समय निकाल के पढ़े उसको, बहुत लंबा इंटरव्यू है वो, लगभग 14,000 शब्दों का इंटरव्यू है, लंबा इंटरव्यू। आजकल के उसमें 14 इंटरव्यू तो हो ही जाएंगे ऐसा है वो, लेकिन वो नीव है। आप देखेंगे कि जो इरफान एक इमारत के तौर पर, हमारे एक बड़ी इमारत के तौर पर सामने, अभिनय की बड़ी इमारत वैसे बन के आते हैं, तो उसकी नींव उस इंटरव्यू में दिखाई पड़ती है। जो मकबूल के समय में हमने बातें की हैं, वो क्या करने वाला है, क्या ध्येय है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बहुत सारे एक्टर ये नहीं जान पाते हैं कि ये क्या नहीं कर सकते हैं, और इस भ्रम में रहते हैं कि हम तो ये भी कर सकते हैं। बहुत शुरू में उसने कह दिया था, मैं ऋषि कपूर नहीं हो सकता, मैं गोविंदा नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो हो सकता हूँ वो मुझे हासिल करना है, और चाहे ये आखिरी समय में जो हिंदी मीडियम है या उस समय की जो 4-5 फिल्में आई हैं, वहाँ इरफान अपने उस इरफान को हासिल कर चुके थे जो वे चाहते थे कि मेरी तरह की, मेरे मिजाज की, मेरे शैली की फिल्में बने, और उस तक पहुँचने की पूरी लड़ाई इस बातचीत में दिखाई।